फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र में हुए देवराज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी राजेश कुमार सिंह ने सोमवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता की और हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। इसमें मृतक की पत्नी, उसका प्रेमी और एक अन्य आरोपी शामिल है। पुलिस अधीक्षक ने थाना अध्यक्ष नीरज यादव और उनकी टीम की प्रशंसा करते हुए 10,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया। 22 तारीख को थाना गाजीपुर में देवराज नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई थी और 29 तारीख को कुएं से सिरकटी लाश बरामद हुई थी। थोड़ी दूर पे उनका सिर कटा हुआ सिर भी बरामद हुआ था, जो नीचे काट दिया गया था, जिसको उन्होंने ऊपर खींच लिया था। यह एक बहुत ही विषम और संवेदनशील हत्या थी, सनसनीखेज हत्या थी। इसके लिए जनपद फतेहपुर की सरिलाल टीम और गाजीपुर की टीम ने बहुत ही मेहनत किया, प्रयास किया और उसका नतीजा ये हुआ कि इसका सफल अनावरण हुआ है। क्योंकि तो पत्नी जो सहयोग नहीं कर रही थी, शुरू से ही पुलिस को डाउट था। आकर उसके गोदना खोदा गया था, वहाँ का शिकवा उसको भी नहीं पहचान रही थी, शरीर को भी नहीं पहचान रही थी, इससे पुलिस को डाउट हुआ था। इसके बाद उसमें जब खोजबीन की गई तो पता चला कि इसके अवैध संबंध राजेंद्र नामक व्यक्ति से थे और इसने वो मिल करके दोनों ने मिल करके अपने एक और साथी को बुला करके और इसकी बड़ी मुसल हत्या में माँ का अभियुक्त के कपड़े खून से सने हुए और जो मृतक है उसके कपड़े सभी बरामद हुए हैं। बहुत ही अच्छा केस वर्क आउट हुआ है और इसमें पुलिस टीम को हमारी तरफ से 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है अच्छे वर्क के लिए। और निश्चित तौर पे हम लोग प्रयास करेंगे कि एक अच्छी घोषणा करके फॉरेंसिक साइंस से टेस्ट करा के रिपोर्ट लेकर के और फांसी तक की सजा ऐसी निर्दोषता के लिए हम कर। वही खगरेरू थाना क्षेत्र में तलाशी और जांच अभियान के दौरान थाना प्रभारी जयचंद भारती को भी बड़ी सफलता मिली। उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी करने की योजना बना रहे 2 आरोपियों को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया। इस मामले में भी पुलिस अधीक्षक ने पूरी जानकारी दी। बाल कुमार और शिव कुमार नामक 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास एक SVBL बंदूक और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। निश्चित तौर पर ये सब असल है चुनाव के लिए एकत्रित किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने चेकिंग के दौरान इनको गिरफ्तार किया है। इसमें से शिव कुमार जो है पहले भी ये जेल जा चुका है, इसका आपराधिक इतिहास है, और भी इनके आपराधिक इतिहास हम पता कर रहे हैं और इनको जेल भेजा जा रहा है। डेली इंसाइडर के लिए फतेहपुर से आशीष सिंह की रिपोर्ट।